नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा जिले के गंज बसौदा नगर में जब से लॉकडाउन हुआ है, तब से क्षेत्र के लोकप्रिय पूर्व विधायक निशंक जैन मित्र मंडल के नेतृत्व में कोरोना नामक भीषण महामारी से आम जन को भूख से निजात दिलाने के उद्देश्य से स्थानीय धूसरपुरा धर्मशाला में स्वयं खाना बनवा करके 24 वार्डों में प्रतिदिन 2500 से 3000 खाने के पैकेट जरूरतमंदों को आवश्यकता अनुसार दिलाए जा रहे हैं। पूर्व विधायक निशंक जैन ने कहा कि इस समय हमारा एक ही उद्देश्य है, भीषण महामारी में कोई घर से निकलने को मजबूर ना हो और ना ही भूखा सोए, जबकि लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। ऐसी स्थिति में और भी लोगों को समाज सेवा के लिए इस महामारी के दौर में सबको एकजुट रखने और इससे जीतने के लिए आगे आना होगा। सभी को लॉकडाउन का पालन करते हुए सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए इस सेवा को निरंतर गति प्रदान करनी होगी, तभी हम कोरोना वायरस के संक्रमण से बचेंगे। साथ ही साथ मित्र मंडल के सदस्यों ने वार्ड वासियों को घर पर रहने की अपील भी की। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की ये रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। वहाँ कहाँ वितरित किया जा रहा है आपके द्वारा? खाना वितरित किया जा रहा है, कितने से चालू होता है और नगर में किस जगह जा रहा है? कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के और मध्य प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के निर्देश पर गंज वासुदा में कांग्रेस पार्टी के तत्वाधान में पूरे नगर के 2400 वार्डों में हम भोजन वितरण की व्यवस्था पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने अपने वार्डों में जहां पर भी जो भी पात्र और परेशान व्यक्ति दिखता है उसके लिए भोजन यहां से हम उपलब्ध कराते हैं और उस मामले में पूरा ध्यान रखा जाता है कि हम सोशल डिस्टेंस का पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें और हमारा प्रयास है कि किसी भी हालत में गंज वासुदा नगर में कोई भी आदमी भूखा ना सो। भूखा उठे भातक तो चलेगा क्योंकि सभी भूखे उठते हैं, मगर जब वो रात में बिस्तर पे जाए तो उसके पेट में भोजन अवश्य होना चाहिए, ऐसे ही कांग्रेस पार्टी का निर्देश है, उसी के तहत पूरे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। आज के वर्तमान स्थिति को देखते हुए लंबे समय से जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें अधिकांशतः यह देखा जा रहा है कि मध्यम वर्ग के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस बारे में हम आपकी राय जानना चाह रहे हैं। आप क्या आपकी सोच है कि उस बारे में आप थोड़ी जानकारी दें? देखिए, लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 जो आज से चालू हुआ है 3 मई तक के लिए, लॉकडाउन 1 में तो मध्यम वर्ग ने जैसे तैसे अपना समय पास कर लिया क्योंकि मिडिल क्लास की एक बड़ी मजबूरी है, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास हो चाहे मिडिल क्लास हो, कि वह अंदर से कष्ट तो झेलता है मगर वो अपना कष्ट की व्यथा किसी से कह भी नहीं पाता और मन ही मन परेशान होता है और अपना और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए संघर्ष कर रहा है। तो जो लॉकडाउन 2 है उसमें यदि सबसे ज़्यादा आज की तारीख में कोई मुझे परेशान समझ में आता है तो वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है। हमारी आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी से और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए कोई पैकेज की घोषणा करें और इस समय यह ना देखा जाए कि किस पे बीपीएल है, किस पे एपीएल है और किस पे क्या है। जिसके पास किसी भी तरह का आईडी प्रूफ है उसके यहाँ हमारे खाद्यान्न के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, जो राशन बांटते हैं, नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से हो, सोसाइटियों के माध्यम से हो, कंट्रोल की दुकानों के माध्यम से हो, वो अपने अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मिडिल क्लास के लोगों के लिए भी राशन निःशुल्क उपलब्ध कराएं। साथ में फील्ड में पूरे मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में जो पत्रकार भाई हमारे हैं, पत्रकार अकेला मीडिया हाउस का मालिक नहीं है, मीडिया हाउस का मालिक तो एक अलग तरह का मामला है, उसके अलावा जो फील्ड में काम करने वाले रिपोर्टर हैं, कैमरामैन हैं, जो पेपर बांटते हैं, जो पेपर के संवाददाता हैं, जो पेपर के एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, ऐसे जो पेपर पे कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करते हैं या जो प्रदेश के जहाँ भी पेपरों के मुख्यालय हैं
उन पर जो काम कर रहे हैं सब पे बहुत जबरदस्त संकट का सामना है। तो मेरे आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के मुखिया और देश के मुखिया से एक अनुरोध और है कि वह इस बार का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि जब विज्ञापन नहीं होगा तो मीडिया हाउस से इनको सैलरी की समस्या है, सैलरी कितनी मिलना है ये अभी कह नहीं सकते, खर्च लगातार वही है और फुर्सत के समयों में खर्च और बढ़ रहे हैं, तो कोई ना कोई एक बड़े पैकेज की जरूरत इस समय मीडिया से जुड़े लोगों को भी है और बाकी जो लोअर मिडिल क्लास है जिनकी सैलरी कम है उनके लिए भी एक प्रोत्साहन राशि के तौर पर जो फील्ड में काम कर रहे हैं चाहे वो किसी भी विभाग के हों उनके लिए मदद करना चाहिए, सरकार का ये पहला कर्तव्य होना चाहिए। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।